हेलो दोस्तों दोस्तों वैसे तो हमारे शरीर के हर एक ऑर्गान बेहद इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इन्हीं में से एक ऑर्गान होता है लंग्स। लंग्स हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गान में से एक है, जिनके जरिए हम लोग सांस ले पाते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि लंग्स का काम शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का होता है, लेकिन सांस लेते समय ऑक्सीजन के साथ हवा में मौजूद प्रदूषित कण हमारे लंग्स में धीरे धीरे जम कर गंदगी बन जाते हैं, जिससे लंग्स को भारी नुकसान पहुंचता है। और इसके अलावा सबसे खतरनाक होता है सिगरेट स्मोकिंग। स्मोक करने से सिगरेट में मौजूद टॉक्सिन यानी निकोटिन्स लंग्स में जाते रहते हैं, जिससे सांस की बीमारी जैसे एलर्जी से लेकर ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, लंग्स इन्फेक्शन और लंग्स कैंसर तक भी हो सकता है। इसीलिए हमारे फेफड़ों से इन गंदगी को निकालने के लिए बहुत ही इफेक्टिव डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स होते हैं, जिनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि फेफड़े यानी लंग्स काम कैसे करते हैं। जब आप सांस लेते हैं तब हवा यानी ऑक्सीजन आपकी एयरवेज में जाती है, जो दो एयरवेज में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। और ये ब्रोंकाई छोटे छोटे एयरवेज में बट जाती है, जिन्हें ब्रोंकियल्स कहते हैं। उनमें से हर ब्रोंकियल्स के एंड में एल्वियोलाई नाम की छोटी छोटी एयरबैग होते हैं। जब आप स्मोक करते हैं तब लगभग 600 कंपाउंड्स को लंग्स अपने भीतर ले लेते हैं। इन कंपाउंड्स को कई हजार केमिकल से ब्रेक किया जा सकता है, और इन केमिकल्स लंग्स कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए समय समय पर लंग्स को डिटॉक्स यानी लंग्स में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक है। अब आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी नेचुरल तरीका है जिससे हम लंग्स को डिटॉक्स या साफ कर सकते हैं। नंबर वन, एक कप गुनगुने नींबू पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर पीने से फेफड़े को काफी एनर्जी मिलती है। शहद में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन की समस्या को काफी कम कर देते हैं। नींबू पानी के साथ शहद मिलाकर पीने से फेफड़े में जमी गंदगी बलगम के साथ बाहर निकल जाते हैं। नंबर टू, ग्रीन टी। ग्रीन टी का सेवन लोग वेट लॉस और लीवर को डिटॉक्स करने के लिए ज्यादा करते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ग्रीन टी फेफड़ों को इन्फेक्शन होने से बचाता है और फेफड़ों को अंदर से मजबूत बनाते हैं। और ग्रीन टी लंग्स में मौजूद गंदगी को बाहर निकालने की काम करती है, क्योंकि ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो फेफड़ों में होने वाली इन्फेक्शन की रिस्क को काफी कम कर देते हैं। नंबर थ्री, अदरक। दिन में एक बार गर्म पानी में अदरक का रस और थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से फेफड़े आसानी से डिटॉक्स हो जाते हैं। और अगर इसके साथ कॉफ की समस्या है तो इसमें भी ये बहुत लाभकारी होते हैं। नंबर फोर, काली तुलसी पत्ते के रस के साथ थोड़ी सी अदरक, काली मिर्च दो तीन दाने को पाउडर करके एक साथ में तीनों मिलाकर उसे एक कप पानी में गर्म करें। फिर उसके साथ एक चम्मच शहद मिलाकर दिन में दो टाइम उसे पिया करें। इससे लंग्स आसानी से डिटॉक्स हो जाते हैं। दोस्तों ये सबसे इफेक्टिव तरीका है लंग्स को डिटॉक्स करने का। नंबर फाइव, गाजर का रस। दोस्तों लंग्स को साफ करने के लिए आपको रोजाना गाजर का जूस पीना चाहिए, क्योंकि गाजर का रस बीटा कैरोटीन का एक अच्छा सोर्स है और उसमें विटामिन ए होते हैं, जो सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट में से एक है। अब नंबर सिक्स, हल्दी अदरक ड्रिंक। दोस्तों हल्दी में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। इसमें कर्कुमिन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर और एंटी टॉक्सिक जैसे गुण होते हैं। वहीं अदरक के साथ अगर हल्दी का सेवन किया जाए तो ये फेफड़ों के अंदर से हार्मफुल टॉक्सिन को निकालने का काम करती है। नंबर एट, लहसुन। दोस्तों लहसुन एक एंटीबायोटिक एजेंट के रूप से काम करता है, जिसमें एलिसिन नामक एक कंपाउंड मौजूद होता है। लहसुन हमारे फेफड़ों को घातक इन्फेक्शन होने से रोकता है और फेफड़ों में सूजन यानी लंग्स इन्फ्लेमेशन से लेकर कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी के खतरे को कम करने में भी काफी मदद करता है।